हे एवरीवन, आज की जो स्टोरी है उसका नाम है मेलिफिशेंट द मिस्ट्रेस ऑफ ईवल। मेलिफिशेंट के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि राजा स्टीफन मर जाता है और अरोरा मूर्स की रानी बनती है, जिसमें मेलिफिशेंट अरोरा की माँ की तरह उसकी रक्षा करती है। राजकुमार एरिक अरोरा से मूर्स में मिलते रहता है। एरिक का राज्य उल्स्टेड मूर्स का पड़ोसी राज्य होता है, पर मेलिफिशेंट किसी भी राज्य के लोगों को मूर्स नहीं आने देती, क्योंकि उसे पता होता है इंसान बस मूर्स पर राज्य करना चाहते हैं। पर एरिक अरोरा से शादी करने के लिए पूछ देता है, जिसमें अरोरा उसके साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है। एरिक के पिता राजा जॉन शांति की कामना करते हैं और दोनों राज्य उल्स्टेड और मूर्स में समझौता चाहते हैं। एरिक और अरोरा की शादी से दोनों राज्य एक हो सकते हैं, पर एरिक की माँ रानी इंग्रेथ मूर्स के हर प्राणी यहाँ तक मेलिफिशेंट को ख़त्म करना चाहती है, और ये बात जॉन और एरिक को नहीं पता होती। इसलिए रानी इंग्रेथ चुपचाप मूर्स से जंग की तैयारी कर रही होती है। उसे पता होता है कि परियों को लोहे की धातु से नुकसान होता है, इसलिए वो लोहे के हथियार और लोहे से गोला बारूद बनवाती है। ये सारे हथियार वो महल के छिपे हुए जगहों में बनवाती है। डाइवल मेलिफिशेंट को बता देता है कि एरिक और अरोरा शादी कर रहे हैं। मेलिफिशेंट अरोरा को शादी करने से मना करती है। वो मानती है इंसान लालची होते हैं और धोखा देते हैं, जैसे स्टीफन ने मेलिफिशेंट को दिया। पर अरोरा मेलिफिशेंट को मना लेती है और मेलिफिशेंट अरोरा की खुशी के लिए मान जाती है। एरिक अरोरा और मेलिफिशेंट को राजमहल में दावत पर बुलाता है। वहां सब सही चल रहा होता है, पर रानी इंग्रेथ दावत में कुछ ऐसी बातें कहती हैं जो मेलिफिशेंट को पसंद नहीं आती। वो कहती है अरोरा को आज तक उसकी माँ का प्यार नहीं मिला, और एरिक से शादी करने के बाद वो उसे असली माँ का प्यार देगी। इस बात से मेलिफिशेंट को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तभी एरिक के पिता जॉन अचानक से बेहोश जाते हैं। इंग्रिड सबको बोलती है कि मेलिफिशेंट ने राजा को श्राप दिया है। अरोरा को भी लगता है कि मेलिफिशेंट ने श्राप दिया है। मेलिफिशेंट कहती है उसने कुछ नहीं किया। तब मेलिफिशेंट अरोरा को उसके साथ मूर्स चलने को कहती है, पर अरोरा नहीं जाती। तब मेलिफिशेंट अकेले मूर्स में वापस जा रही होती है। जब मेलिफिशेंट आसमान में होती है तो इंग्रेथ की साथ देने वाली उसकी एक सेविका मेलिफिशेंट पर लोहे की धातु से हमला कर देती है, जिससे मेलिफिशेंट बुरी तरह घायल होकर समुद्र में गिर जाती है। सेविका को लगता है कि मेलिफिशेंट अब मर जाएगी, पर तभी आसमान से मेलिफिशेंट के जैसा ही कोई आता है और मेलिफिशेंट को बचा लेता है और उसे लेकर कहीं चले जाता है। सेविका इंग्रेथ को बताती है कि मेलिफिशेंट मरी नहीं है, उसके जैसे और हैं जो उसे बचाकर ले गए। तब इंग्रेथ और लोहे के हथियार बनवाती है, मूर्स के प्राणी और मेलिफिशेंट और उसके नस्ल के सभी को मारने के लिए। महल में सभी को लगता है कि मेलिफिशेंट ने जॉन को श्राप दिया है, जिससे सभी लोग मेलिफिशेंट को बहुत ही बुरा मानते हैं। इंग्रेथ अरोरा और एरिक की शादी में मूर्स के प्राणी को बुलवाती है उन्हें मारने के लिए, पर अरोरा अपनी शादी के दिन इंग्रेथ के चाल को समझ जाती है और उसे ये पता चल जाता है कि राजा जॉन को इंग्रेथ ने वही सुई चुबाई है जो मेलिफिशेंट के शराब से बनी थी। अरोरा इंग्रेथ को बोलती है कि वो ये बात सभी को बता देगी, पर इंग्रेड उसे कमरे में बंद करवा देती है। दूसरी तरफ मेलिफिशेंट खुद को एक गुफा में पाती है। वो उस गुफा से बाहर निकलती है तो वो देखती है एक ऐसी दुनिया जहां उसके नस्ल के लोग हैं। गुफा में मेलिफिशेंट के नस्ल के सभी परियां आपस में बहस कर रही होती हैं। बोरा उन्हीं में से एक होता है जो सभी को समझाता है कि इंसान कभी अमन के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, उनसे जंग करके ही हम सब आज़ाद हो सकते हैं। पर उनके नस्ल का शांतिपूर्ण नेता कानल
जिसने मैलिफिसेंट को बचाया था, वो सबको समझाता है कि हम सब इंसानों के साथ समझौता करके, उनके साथ अमन कायम करके बच सकते हैं, जंग से हम लोग नहीं बच पाएंगे। तब बोरा कहता है, इंसानों के पास बेशक लोहे के हथियार होंगे, पर हमारे पास मैलिफिसेंट है। मैलिफिसेंट उन सभी परियों में से सबसे ताकतवर परी होती है, क्योंकि वो ही अकेली प्राचीन शक्तिशाली डार्क फी की पूर्वजों की आखिरी वंशज होती है। कर्नल मैलिफिसेंट को बताता है कि हम सभी काल रक्षक हैं और तुम भी काल रक्षक हो। हम सभी का दौर डार्क फी यानी ड्रैगन से शुरू हुआ। कर्नल मैलिफिसेंट से चाहता है कि वो इंसानों के साथ अमन कायम करे, पर बोरा मैलिफिसेंट से कहता है कि इंसानों से जंग करके ही काल राक्षस फिर से बच सकते हैं। अब पूरी बात मैलिफिसेंट पर आ जाती है।